नाहन विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। वो कहते हैं कि सड़कों की हालत ठीक नहीं है। हम उनको याद कराना चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर सड़कें थी ही नहीं, तो ठीक होने की स्थिति कहां से आई। पूरी की पूरी धारटी के लोग 40, 50, 60 साल से पैदल चलने के लिए मजबूर थे और केवल उन कांग्रेस के लोगों के कारण मजबूर थे। आज 42 पुलों के ऊपर काम चल रहा है, अनेक पुल बन गए हैं, अनेक पुल बन रहे हैं। सड़कों के ऊपर तीव्र गति से काम चल रहा है, सारा इलाका एक एक करके सड़कों से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज उन्हें सड़कों की दुर्दशा का ख्याल आ रहा है। उन्होंने नेशनल हाईवे की बात की, मैं याद कराना चाहता हूं 2013-14-15 के अंदर हमारे नेशनल हाईवे की क्या हालत थी। पैदल चलना भी उस नेशनल हाईवे के ऊपर दूभर था। काला आम से लेकर के धौला कुआं तक जिस कदर गड्ढे और कीचड़ सड़कों के ऊपर था, पूरा मलबा पूरे के पूरे पहाड़ बह करके और लोगों के घरों में घुसते रहे, आज वो नेशनल हाईवे अगर बेहतरीन तरीके से लोगों को सेवा दे रहा है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी और जयराम ठाकुर की सरकार के कारण दे रहा है। आज उन्हें वो सड़कें अच्छी नजर नहीं आ रही, ये चश्मे का दोष है ना कि सड़कों का दोष है। नाहन शहर की चिंता करने वाले आज वो काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जब 40 वर्ष तक नाहन के लोगों को पीने का पानी माकूल मिला नहीं, आज 4 दिन पानी ना मिलने पर उनकी तड़प देखते ही बनती है। 40 वर्ष तक नाहन के लोगों को प्यासा रखने वाले लोग आज 4 दिन के लिए और रोना रोते हुए दिखाई देते हैं। वो नाहन जिसका सौंदर्यकरण आज हुआ है, जहां नालों को पाट करके पार्किंग और पार्कों में बदला गया है, वो आज उनको नाहन अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। TNN News brought to you by हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16।